ये जो वर्ड है टीम लेटर्स का, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट करता है किसी भी बिजनेस में। भले आप एक नॉर्मल कोई शॉप चला रहे हो या आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी चला रहे हो, ऐसे भी मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किए स्टार्टअप्स में टू मच ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे आप देखोगे कि प्रॉफिट्स तो बिल्कुल नहीं है, बिजनेस प्रॉफिट्स तो कुछ कमा ही नहीं रहे, लेकिन सब सब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू 507 एस्थेटिक। तो आज का वीडियो का आपने जो टाइटल देखा होगा कि कैसे नेक्स्ट विद इन अ ईयर आपका बिजनेस शायद हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा आपके ही कुछ गलतियों के वजह से, जो कि बहुत बेसिक गलती है, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। तो हम आज उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे आप भी जान सकते हो कि कैसे आप नेक्स्ट विद इन अ ईयर आपका बिजनेस आप बचा सकते हो या आप हमेशा के लिए क्लोज कर लोगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा एक इसमें टिप दूंगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो एक बेसिक फाउंडेशन है किसी भी बिजनेस का, जो बैक इन टाइम्स ओल्ड स्कूल ऑफ बिजनेस से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है और आज भी इम्पॉर्टेंट है, पहले भी इम्पॉर्टेंट था और कल भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो एंड तक बने रहिए ताकि वो एक जो सिंपल टिप है आप उसको मिस ना कर सकें। तो सबसे पहली गलती आप क्रिएट कर रहे हो वह है लैक ऑफ विजन। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि आपको रूट पता होना चाहिए कि मुंबई से कहाँ से आपको ट्रेन लेनी है या एयरपोर्ट पे कहाँ से आपको जाना है, फिर वहाँ से आपको कहाँ पे जाना है, दिल्ली में आपको कहाँ पे रुकना है, कहाँ आपको दिल्ली में स्टे करना है, आप दिल्ली पे क्यों जा रहे हो, आपका मेन पर्पस क्या है, ये सब आप क्वेश्चन पूछोगे ना। आप क्यों कर रहे हो, WHY, ये जो वर्ड है तीन लेटर्स का, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट करता है किसी भी बिजनेस में। भले आप एक नॉर्मल कोई शॉप चला रहे हो या आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी चला रहे हो, आप अगर किसी भी फाउंडर्स की अगर आप बुक पढ़ोगे या बायोग्राफी आप उनकी देखोगे, सबसे कॉमन एक रहता है कि दे हैड अ विजन। आइडिया तो हर किसी के पास आता है, आप किसी से भी बात करो, हर किसी के पास एक छोटे से छोटा बड़े से बड़ा आइडिया होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन व्हाट सेपरेट्स आइडिया एंड अब बेसिकली लेगेसी क्रिएट करने वाली विजन, विजनरी बिजनेस, वो सिंपल वर्ड है कि आपका एक विजन है, बहुत स्ट्रॉन्ग विजन, एक क्लियर क्रिस्टल विजन है आपका कि आपको क्यों करना है बिजनेस। आपको एक पैसे कमाने के लिए बिजनेस करना है या आपको लोगों की मदद करने के लिए बिजनेस करना है, ये जो दो इम्पोर्टेंट चीज है ये बहुत जरूरी होती है आपके लिए कि आप समझो पहले दुनिया को, बाद में समझाओ किसी थर्ड पर्सन को, बाद में समझाओ कि नहीं मुझे दुनिया में सेवा करनी है, जस्ट एक सर्विस प्रोवाइड करनी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, मनी मेरा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप उसी पर्सपेक्टिव से करो। तो आप प्रॉफिट्स भी आप मत देखिए, सिर्फ और सिर्फ आप सर्विस प्रोवाइड करिए, लोगों की सेवा करिए, लेकिन आप ये चाहते हो कि नहीं मैं प्रॉफिट के लिए कर रहा हूँ, सो जस्ट बी ओपन विथ योरसेल्फ, दुनिया का बाद में छोड़िए, खुद के लिए ओपन। तो सेकेंड पॉइंट है, वो भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके बेस फाउंडेशन के लिए उसी भी बिजनेस पे, वो है इन्वेस्टमेंट। करेक्ट, आप आपके बिजनेस पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल आप लगा रहे हो, कितना अमाउंट ऑफ आपका नॉलेज लगा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एक चीज़ है बेसिकली मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किए स्टार्टअप्स में, टू मच ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपके पास पैसे नहीं है, आप लोन लेके कर रहे हो या कुछ चीज़ें बेच के कर रहे हो, क्या कर रहे हो पैसा बेच के, सिंपल थिंग, आप लोग आपका ऑफिस खरीद रहे हो, एक फैंसी ऑफिस क्रिएट कर रहे हो जिसमें वर्क कल्चर ये सब कर रहे हो, यू हैव नॉट इवन क्रिएटेड योर बिजनेस, आपका अभी तक वो उतना वर्क कल्चर बना ही नहीं है कि आप उस तरीके का एक फैंसी ऑफिस क्रिएट कर सको जिसमें आप एक रेस्टिंग रूम, ये आपका कॉन्फ्रेंस रूम ये सब बना रहे हो, इट जस्ट अ वेरी नेक्स्ट। आप इतना कैपिटल लगा कि ये सब इन्वेस्ट कर रहे हो आपके इंटीरियर्स में, मैंने बहुत सारे बिजनेस देखे हैं जहाँ पे आप देखोगे कि प्रॉफिट्स तो बिल्कुल नहीं है, बिजनेस प्रॉफिट्स तो कुछ कमा ही नहीं रहे, लेकिन उनका सब का सब पैसा इंटीरियर पे, चीज़ों को मैनेज करने में, सॉफ्टवेयर में, येस इफ आपका वो नीड है देन इट्स टोटली डिफरेंट थिंग, बट जस्ट आप एक फैंसी चीज़ क्रिएट करना चाहते हो टू इम्प्रेस पीपल, डेफिनेटली आप बिजनेस में फेल तो होंगे लेकिन आप बहुत ज़्यादा उसमें कैपिटल में लॉस में चले जाओगे। समझे इस बात को कि आपके पास आप एक बिजनेस क्रिएट कर रहे हो, अब जाके पढ़िए, ऑनलाइन सर्च करिए, कितने सारे ऐसे बिजनेस ओनर हैं जिन्होंने बूटस्ट्रैप से स्टार्ट किया है, कितने सारे हैं। मैंने भी जब अपना स्टार्ट किया था मैंने कोई पैसा इसमें नहीं लगाया, जो मेरा आप मार्केटिंग एजेंसी देखोगे इट्स नथिंग, जीरो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन यह सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो किसी को ही प्रोवाइड नहीं कर पाया मुझे,
ना ही कोई कर पाएगा। इट्स अ नॉलेज, इट्स एन एक्सपीरियंस। आपको चीज़ों को करना आना चाहिए, जुगाड़ बनाना आना चाहिए आपको। मैंने भी किया था, इट वॉज नथिंग, कोई फैंसी इसमें ये नहीं किया या किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट कैपिटल नहीं किया, बिकॉज आई नो देयर इज नो नीड। मुझे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करना है इन्वेस्टमेंट, या मुझे चीज़ें खरीद के जमा नहीं करनी। आई वॉन्ट टू डू बिजनेस बिकॉज आई हैव अ विजन, मुझे इस ये चीज़ करनी है फॉर अ पर्सनल थिंग। सो किसी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए या ट्रेंड में कि अच्छा उसका इतना अच्छा ऑफिस है, उसका इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है, या सॉफ्टवेयर आपका जो कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें टेक्नोलॉजिकल थिंग इज अ गुड थिंग, अ गुड इन्वेस्टमेंट। बट आप बाकी चीज़ों में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, ये डेफिनेटली आपको लॉस में तो लेके जाएगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डेप्थ पे चले जाओगे इसमें। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये बात को समझे कि आप जो भी पैसा आपके इसमें बिजनेस में लगा रहे हो, आपको उससे डबल कमाना ही चाहिए। That's what we call a business, a profitable business. अगर आप business is a simple thing, आप business इसलिए करते हो profit कमाने के लिए। A profitable business is the one who survives. बिना profit के कोई business survive नहीं कर पाएगा। आप जितना कमाओगे उतना डाल रहे हो, there is nothing more. So, a business is a thing which is called a profit. Simple बात है, शायद आपको किसी को हजम हो किसी को ना हो, it's a truth. So, अगर आप आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल गुड करोगे तभी आप डेट फ्री रहोगे, आपका माइंड उस पर टेंशन में नहीं रहेगा कि मैं कमा पा रहा हूँ या नहीं कमा पा रहा हूँ। सो यस, इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, जहाँ पे पैसा खर्च करते हैं वहाँ पे करिए, डोंट थिंक ऑफ लॉस या कहीं पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा कि अरे यहाँ पे खर्चा करना ही है। तो इफ़ यू नो कि यहाँ पे अगर आपका एक आईटी का कुछ है, आपके किसी सॉफ्टवेयर पे आपको पैसे लगा कि आपको उसका परफेक्ट आपको बेनिफिट्स मिलेगा, Do it, that's a good investment. A business owner should know what's a good investment and what's a bad investment. ये दो चीज़ जब आप क्लियरली पता होगी तभी आप किसी चीज़ में अच्छे से वो बिजनेस को रन कर पाओगे, कैपिटल हैंडल कर पाओगे। तो ध्यान रखिए कि आपका बिजनेस में आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, वो अमाउंट का आपको पता होना चाहिए। अकाउंट्स भी आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इतना मेरा प्रॉफिट निकल रहा है, इतना इसमें से एक्सपेंस आ रहा है, एक लायबिलिटी, इतना ऐसे यू शुड नो 360 ऑफ इट, तभी आप उसको सक्सेसफुली रन कर पाओगे। अब जो थर्ड पॉइंट है वो एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम नहीं समझ पाते, लेकिन आपको चाहिए कि आप एक बहुत ही एक बड़ा बिजनेस करो, लोगों की नज़र में आए, जैसे रिलायंस इज अ रियली बिग इंडस्ट्री, बाद में टाटा बिरला, ये बहुत ही ज़्यादा एक इंडस्ट्री है, एक बिजनेस है, लेकिन इनकी एक ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, जो थर्ड पॉइंट है वो है ब्रांडिंग। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस की ब्रांडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आपके फील्ड में आपके बिजनेस को टॉप पे लेके जाना चाहते हो, यू वांट योर बिजनेस शुड स्टैंड एट द वेरी टॉप, इट शुड बी द नंबर वन। अगर आपके फॉर एग्जांपल एक आईटी कंपनी है, आपको चाहिए कि मेरी कंपनी हो वो आईटी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी हो। सो यू शुड नो हाउ टू ब्रांड, आपको ब्रांडिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, आपके ब्रांड की आइडेंटिटी कैसे होगी, आपका ब्रांड किस तरीके से लोगों के सामने दिखेगा, उसका लोगो कैसा होना चाहिए, उसका एक विजन क्या हो, आपके ब्रांड के थ्रू दिखना चाहिए, ये सब लोगों के सामने इम्पोर्टेंट है दिखना। एडवर्टाइजमेंट कैसी हो, उसका सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसा हो। हमारे पास बहुत ऐसी कंपनीज आती है जिनका एक अच्छा विजन होता है, जिनके पास एक अच्छा कैपिटल भी होता है पे करने को, बट दे आर लैकिंग अ ब्रांडिंग। सो हम सबसे बड़ा हमारा मेन वही उसमें पर्पस होता है कि हम उनको एक विजन दें कि आप आपकी कंपनी की ब्रांडिंग किस तरीके से कर रहे हैं। हर एक कंपनी, आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ ब्रांडिंग का, वो है नाइकी। आप नाइकी किसके लिए खरीदते हो? और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, यस डेफिनेटली, बट अ स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग इज लाइक कि एक इमोशन प्रोटेक्ट कर रहा है। आपका कंपनी क्या इमोशन प्रोटेक्ट? नाइकी इज टू रिप्रेजेंट द एक्सपीरियंस, जो एक एक्सपीरियंस क्रिएट होता है नाइकी का, एडवेंचरस, फन, स्ट्रेंथ, स्पोर्ट्समैनशिप, ये नाइकी के साथ जुड़े हुए हैं। आप जब ब्रांडिंग देखोगे नाइकी की तो दैट टिक उसके नीचे लिखा हुआ रहता है, जस्ट डू इट, दैट इज स्पोर्ट्समैनशिप। वो लोग प्रमोट करते हैं उसको कि वी आर नॉट जस्ट सेलिंग अ प्रोडक्ट, वी आर सेलिंग द एक्सपीरियंस। ये इस तरीके से ब्रांडिंग किया जाता है। आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझिए कि एज ए ह्यूमन वी डाइव मोर इन टू द इमोशंस। हमको बहुत ज़्यादा फर्क इससे पड़ता है कि हमको जो मिल रहा है उसके बाद का आउटकम क्या होगा।
जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ये देख लो कि मैकडोनल्ड्स अ हैप्पी मील, आप मैकडोनल्ड्स का एक हैप्पी मील ले लो, यू फील हैप्पी, तो ये एक है। कोक का हो गया चीयर्स फॉर द हैप्पीनेस। सो आप जो भी ये बड़ी कंपनी देखोगे, दे डू देयर ब्रांडिंग, वो बहुत ज़्यादा उस पर ब्रांडिंग पे करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि कंपनी जो वहाँ पे ब्रांडिंग आपकी करेगी, ऑडियंस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमारा जो प्रोडक्ट है उसको परचेस करेंगे। सो आप भी कोई भी अगर आप एक कंपनी चला रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक रियल एस्टेट का या कोई कंपनी है, कैसे ही हो ब्रांडिंग, एक्सपीरियंस द होम, एक्सपीरियंस द लग्जरी एज योर होम, दिस इज अ ब्रांडिंग। आप आपके कंपनी का नाम एक किसी इमोशन के साथ जोड़ रहे हो, उसको करते हो आप ब्रांड, और उसी की तरीके से उसी ब्रांडिंग से आपके कंपनी का लुक, एक फर्स्ट पर्सनैलिटी, एक फर्स्ट आपका इम्प्रेशन आपके ऑडियंस लोगों के सामने दिखता है। उसी तरीके से एक सही ब्रांडिंग से लोग आपको सीरियसली लेंगे, आपके बिजनेस को सीरियसली लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, एक ट्रस्ट क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने ऑडियंस में ट्रस्ट क्रिएट करो। ट्रस्ट तभी ही क्रिएट होगा जब आप एक आपकी ब्रांडिंग करो, जैसे आईफोन हो गया, आईफोन भी अपनी ब्रांडिंग करता है, सैमसंग करता है। अगर आप कोई कार्स देखोगे, एवरीवन डू इट। सो आप भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ब्रांडिंग करिए, जैसे हम हमारे क्लाइंट्स के लिए ब्रांडिंग करते हैं, वैसे आप भी चाहो तो हमसे ब्रांडिंग करवा सकते हो, या तो इन्फॉर्मेशन, या तो एक विजन या गाइड आप ले सकते हो। सो ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट, ये भी आप बहुत ही ज़्यादा इस पर फोकस करें। ये तीन चीज़ तो आपने समझ ली, सबसे पहले विजन, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, एंड देन ब्रांडिंग। लेकिन अब जो चौथी चीज़ है, जो एक बोनस टिप है, वो मैं आपको देना चाहूँगा। ये एक ऐसी टिप है जो मैंने अपने जर्नी में बहुत ज़्यादा सीखी है, अपने अराउंड बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को देखा है करते हुए। जैसे अगर मैं आपको मेरे आइडल के बारे में बात करूँ बिजनेस में, वो है धीरूभाई अंबानी। उनके तरीके से भी अगर उनके लाइफ जर्नी को फॉलो की है, उनसे भी मैंने ये चीज़ सीखी है। तो ये जो फोर्थ चीज़ है वो है मनी मैनेजमेंट, अकाउंटिंग। यस, बहुतों को शायद ये बहुत नहीं लगेगी सुनने में, बट अगर आप किसी भी पुअर बिजनेस ओनर को पूछोगे, किसी भी बिजनेस पर्सन की आप अगर बायोग्राफी देखोगे, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखेगी। अगर आप मेरे आइडियल धीरूभाई अंबानी को भी इसमें देखोगे, यू विल हैव टू नो। एक मैंने इसी चीज़ बहुत ज़्यादा सीखी, स्पेशली गुजराती कम्युनिटी, मारवाड़ी कम्युनिटी में ये बहुत ज़्यादा है कि वो अपने गले पे, जो कहते हैं जो बनिया कम्युनिटी के, मेरा गल्ला, अपने गले पे वो बैठे रहते हैं, एक उनकी चौपड़ी रहती है, वो उसमें सब लिखते रहते हैं। इट्स एन हैबिट विच इज़ एक्चुअली अ एक्सीलेंट हैबिट। उनको पता होता है कि आज गले पे कितने पैसे कमाए, कितना कहाँ हिसाब करना है, कितना उन्होंने एक्सपेंस उनको खर्च करना है, एवरी सिंगल थिंग। दे आर द मास्टर ऑफ अकाउंटिंग्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस ओनर को पता होना। इवन इफ यू हैव अकाउंट्स, पहले आप 10 लोगों की अकाउंट्स टीम रख लो, लेकिन आपको बेसिक पता नहीं कि आपको पैसे खर्च करना, एक सिंगल पेनी आपको पता होनी चाहिए कि आपके बिजनेस में कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ आपके बिजनेस में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। ये सब आपको अकाउंट्स, भले आपको क्रिएटिविटी के लिए आप लैक करते हो, इट्स स्टिल ओके, यू कैन वर्क ऑन इट। लेकिन एक बिजनेस ओनर को अकाउंट्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, मेक श्योर आपके बिजनेस का अकाउंट आपको पूरी तरीके से पता है, कहाँ आपका एक रुपया खर्च हो रहा है, किसकी कितनी सैलरी दे रहे हो, आपका सबसे ज़्यादा एक्सपेंस कहाँ पे जा रहा है, आज कितना खर्चा हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, लाइबिलिटी, ऐसे यू शुड नो एवरी 360 पार्ट ऑफ, तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए रन कर पाओगे। दूसरा एक और चीज़ आप याद रखिए, ऑलवेज थिंक इट ऑफ लॉन्ग टर्म, कभी भी किसी शॉर्ट टर्म का मत सोचे। एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा पूछा थी मारवाड़ी बनिया कम्युनिटी से सीखी है, दे आर द विजनरी, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, अकाउंट्स उनको मुँह जबानी याद रहते हैं। आप किसी भी इनको मिले, यू विल गेट टू नो। दैट्स व्हाई आप देखोगे मोस्ट ऑफ दिस रिच पीपल आर बिलोंगिंग टू दिस कम्युनिटी, बिकॉज आप उनको पूछे कि आज कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, उनको मुँह जबानी बता देते हैं। तो अगर आप भी हो, आपको भी एक बिजनेस ओपन करना है, बिजनेस रन करना है, मेक श्योर यू नो दिस, आपके अकाउंट आपको बाहर होने चाहिए, पता होना चाहिए जबानी की, अच्छा आज यहाँ पे खर्च हो रहा है उतना। बिकॉज आपने अगर मनी मैनेजमेंट आपने सीख लिया, देन इट्स वेरी इजी, आप बूट स्ट्रैप से भी बिजनेस बना पाओगे। क्योंकि अगर आप बूट स्ट्रैप से अगर एक बिजनेस सेटअप कर रहे हो, एंड इट्स वेरी इजी फॉर यू कि आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे, कि आपका अपने अगर आपके बिजनेस से प्रॉफिट किया, उस प्रॉफिट को आपको किस तरीके से
डिवाइड करना है अपने बिजनेस में, आपको खुद के लिए रखना है, उसके बाद आप पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दिस इज ऑल मनी मैनेजमेंट। ये आपको लाइफ एक्सपीरियंस से सीखने मिलेगा, आपको कहीं से सीखने मिल रहा है सीख लीजिए, वेलिंग बुक पर खुद से सीखिए, आजू बाजू बिजनेस ओनर से बात करिए किस तरीके से वो अपने मनी को कंट्रोल करते हैं। बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने सुना होगा लक्ष्मी चंचल होती है, अगर आपको लक्ष्मी को, उस चंचल लक्ष्मी को आपको संभालना, उसको हर टाइम एक वे दिखाना आ गया, देन राइट इट डाउन, आप हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट में रहोगे। लॉसेस आर द पार्ट ऑफ बिजनेस, लेकिन स्टिल आपके मनी मैनेजमेंट स्किल्स, इन्वेस्टमेंट स्किल्स आपको जल्दी से डुबाएंगे नहीं किसी भी बिजनेस में। सो यही था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो, एंड आपको अगर जानना है कि किस तरीके से इन सब चीज़ों को पर्सनलाइज वे में आप कर सकते हो, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे नीचे दिए हुए लिंक पे फॉलो करके DM करके, वहाँ पे हमारा जो बिजनेस है A7 ब्रांड मार्केटिंग, उसके थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट करके, आप भी आपके बिजनेस में कहीं पे भी लैक कर रहे हो किसी तरीके की हेल्प, गाइडेंस, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया प्रेजेंस, बिजनेस ग्रोथ, ऑनलाइन आपको क्लाइंट से या किसी भी तरीके की क्वेरी है, यू कैन ड्रॉप मी अ DM, मैं डेफिनेटली आपको कनेक्ट करके विल गाइड यू, वी कैन टेक इट फर्दर हैंड टू हैंड, एंड हम विजन क्रिएट कर सकते हैं, हमारा विजन अलाइन करके वी कैन क्रिएट अ सक्सेसफुल बिजनेस। सो दिस वॉज पार्ट फ्रॉम A7, एंड आज के वीडियो के लिए साइन ऑफ, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे।